हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम सीखेंगे गूगल डॉक्स में रिज्यूम कैसे बनाते हैं। तो यहाँ पर जो स्क्रीन पर आप देख रहे हो, इस तरह का रिज्यूम इस वीडियो में हम बनाना सीखेंगे। और जो रिज्यूम के मैक्सिमम फॉर्मेट्स होते हैं वो कुछ इसी तरह के होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। यहाँ से मैं इसको क्लोज कर देता हूँ। और सबसे पहले हमको अपने कंप्यूटर या फिर लैपटॉप में इंटरनेट कनेक्ट कर लेना है। उसके बाद ब्राउज़र ओपन कर लेना है, तो मैं गूगल क्रोम ब्राउज़र यूज करूँगा। यहाँ पर हमको सबसे पहले जीमेल लॉगिन कर लेना है, तो मैंने जीमेल लॉगिन पहले से ही किया हुआ है। उसके बाद हमको गूगल ऐप्स में जाना है और यहाँ पे हमको गूगल डॉक्स में आना है। यहाँ पे डॉक्स दिखाई दे रहा है, इस पर हमें क्लिक करना है तो हमारा गूगल डॉक्स ओपन हो जाएगा। अगर आप कोई दूसरा ब्राउज़र यूज करते हैं तो आपको क्या करना है, यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा और यहाँ से मैं फायरफॉक्स ओपन कर लेता हूँ। तो फायरफॉक्स का इंटरफेस कुछ इस तरह का दिखाई दे रहा है। अब यहाँ पे हमें गूगल ऐप्स का आइकन दिखाई नहीं दे रहा है, तो हमें यहाँ पे google.com टाइप कर देना है। google.com टाइप करेंगे सर्च में तो ये हमारे पास गूगल का इंटरफेस आ चुका है। तो यहाँ पे हमें सबसे पहले जीमेल लॉगिन कर लेना है, उसके बाद यहाँ पे हम गूगल ऐप्स में आएंगे और यहाँ पे गूगल डॉक्स में आ जाना है। ठीक है, यहाँ से डॉक्स क्लिक करेंगे तो ओपन हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से मैं इसको क्लोज कर रहा हूँ। तो मैं गूगल डॉक्स को क्रोम ब्राउजर में ही यूज करूंगा। अब यहाँ पे मैं क्लिक करूंगा ब्लैंक पे। ठीक है, ब्लैंक पे मैं क्लिक कर देता हूँ। क्लिक करने के बाद इस तरह का इंटरफेस ओपन हो जाता है। ये हमारा ब्लैंक पेज है, इसका सबसे पहले हमें सेटअप करना है। तो सेटअप करने के लिए हम फाइल मेन्यू में जाएंगे और यहाँ पे नीचे दिया गया है पेज सेटअप, क्लिक किया एंड यहाँ से हमको ओरिएंटेशन में पोर्ट्रेट, पेपर साइज में A4 रखूँगा मैं, और मार्जिन में अपने अकॉर्डिंग रख सकता हूँ मैं, यानी मार्जिन आपको जितना रखना है वो आप रख सकते हो। मैं यहाँ पे टॉप में रख लेता हूँ 1.75 और बॉटम में रखूँगा मैं 1.25, लेफ्ट में 1.25, राइट में 1.25। ये मैंने अपने अकॉर्डिंग मार्जिन रख लिया है, आपको क्या रखना है वो आप रख सकते हैं। मैं ओके पे क्लिक करूंगा तो ये मेरा पेज का सेटअप है वो हो चुका है। अब यहाँ पे मैं सबसे पहले टाइप कर देता हूँ रिज्यूम या फिर कैरिकुलम वाइट। अब इसको मैं एकदम सेंटर में लेके आऊँगा, तो उसके लिए मैं यहाँ पे सेंटर अलाइन पे क्लिक करूँगा तो ये सेंटर में आ जाएगा। इसको मैं सेलेक्ट करूँगा, सेलेक्ट करने के बाद यहाँ से मैं इसका फॉन्ट है वो चेंज कर लेता हूँ, ये वाला। आपको जो रखना है वो आप रख सकते हो। यहाँ से मैं बोल्ड सेलेक्ट करूँगा एंड यहाँ पे मैं इसका जो साइज़ है वो 20 कर लेता हूँ। आपको कितना रखना आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हो। कर्सर को यहाँ पे रखूँगा और दो बार इंटर प्रेस करूँगा। उसके बाद इस कर्सर को मैं यहाँ पे लेफ्ट साइड में लेके आऊँगा, तो यहाँ पे लेफ्ट अलाइन पे क्लिक करूँगा। अब यहाँ पे मैं इसका साइज़ फिक्स कर लेता हूँ। यहाँ से मैं कर लूँगा इसका साइज़ 13 और यहाँ से बोल्ड रखूँगा। यहाँ से इसका फॉन्ट है वो चेंज कर लेता हूँ, लेग्जेंड। ठीक है, लेग्जेंड बोल्ड। ठीक है, इस तरह से भी रख सकते हैं हम। यहाँ पे मैं टाइप कर देता हूँ नाम, जिसके नाम से हम ये रिज्यूम बना रहे हैं उसका नाम यहाँ पे टाइप करेंगे। नाम टाइप कर दिया, इंटर प्रेस करूँगा। अब यहाँ पे मैं इसको अनबोल्ड कर लेता हूँ और साइज़ कम कर लेता हूँ, 12 किया। एंड यहाँ पे मैं टाइप करूँगा मोबाइल नंबर, जो भी मोबाइल नंबर है वो हम इस तरह से टाइप कर सकते हैं, इंटर। एंड यहाँ पे मैं एड्रेस टाइप करूँगा, जो भी एड्रेस है वो हम यहाँ पे टाइप कर देंगे, इंटर करेंगे। यहाँ पे मैं ईमेल टाइप कर देता हूँ, जो भी ईमेल है उसे हम यहाँ पे टाइप कर देंगे। अब हमको यहाँ पे एक पासपोर्ट साइज फ़ोटो मेंशन करना है, तो उसके लिए मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा, इंसर्ट इमेज ऑप्शन पे क्लिक करूँगा। क्लिक किया एंड यहाँ पे अपलोड फ्रॉम कंप्यूटर पे क्लिक करूँगा एंड यहाँ पे मेरे पास ये इमेज है, ओपन कर लेता हूँ। अब ये इमेज इधर उधर मूव नहीं होगी, तो हमें क्या करना है, इस पर क्लिक करना है, इसको सेलेक्ट करना है इमेज को। ये सेलेक्ट हो गई एंड यहाँ पे इमेज ऑप्शन में आना है और यहाँ पे टेक्स्ट रेपिंग और यहाँ से इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट। अब हम इसको छोटा बड़ा कर सकते हैं कुछ इस तरह से और इधर उधर मूव कर सकते हैं, तो मैं इसको कुछ इस तरह से एडजस्ट कर सकता हूँ और इसको मैं यहाँ से क्रॉप भी कर सकता हूँ। इमेज को सेलेक्ट करना है यहाँ पे, क्रॉप इमेज, एंड यहाँ पे मैं हल्का सा इसको क्रॉप कर लेता हूँ। यहाँ से मैं इसको क्रॉप कर लूँगा, इंटर करूँगा। उसके बाद इसको मैं छोटा करूँगा और एडजस्ट कर लेता हूँ, यहाँ पे एडजस्ट करूँगा। ठीक है, और छोटा करना है तो और भी आप कर सकते हो। ठीक है, अब कर्सर को मैं यहाँ पे रखूँगा और इसको मैं क्लोज कर देता हूँ। अब इंटर प्रेस कर देता हूँ मैं, अब ये लिंक बन चुका है, राइट क्लिक करूँगा और यहाँ से रिमूव लिंक, कर्सर यहाँ रखूँगा। एंड अब थोड़ा सा मैं यहाँ पे स्पेस बढ़ाऊँगा, पैराग्राफ स्पेस, तो यहाँ पे जाऊँगा मैं लाइन एंड पैराग्राफ स्पेसिंग ऑप्शन पे और यहाँ से ऐड स्पेस और यहाँ पे मैं टाइप कर देता हूँ कैरियर ऑब्जेक्टिव। इसको मैं सेलेक्ट करूँगा, सेलेक्ट करने के बाद यहाँ से 14 में इसका साइज़ रखूँगा, बोल्ड रखूँगा एंड यहाँ पे कर्सर रखा और इंटर प्रेस करूँगा। अब यहाँ पे स्पेस ज़्यादा आ रहा है तो इसे मैं कम करूँगा, यहाँ पे क्लिक करूँगा रिमूव स्पेस और यहाँ से फॉन्ट साइज़ कम करूँगा एंड यहाँ से अनबोल्ड और यहाँ पे मैं टाइप कर देता हूँ तो यहाँ पे मैंने कुछ सेंटेंस टाइप किया है, चाहो तो आप भी इसे यूज कर सकते हो। मैं इसे कुछ इस तरह से सेलेक्ट करूँगा
एंड यहाँ से जस्टिफाई पे क्लिक करूँगा तो ये कुछ इस तरह से एडजस्ट हो जाएगा। अब कर्सर को यहाँ रखूँगा, एंटर करूँगा और यहाँ पे मैं थोड़ा सा स्पेस इसमें बढ़ा लेता हूँ। तो यहाँ पे लाइन एंड पैराग्राफ ऑप्शन पे जाऊँगा एंड यहाँ पर एड स्पेस और यहाँ पर मैं टाइप करूँगा क्वालिफिकेशन और यहाँ पर मैं इसको सेलेक्ट करूँगा। सेलेक्ट करने के बाद बोल्ड और इसका साइज़ बढ़ा लूँगा, 14 मैंने साइज़ लिया है। कर्सर को यहाँ रखूँगा, उसके बाद मैं एक टेबल इंसर्ट करूँगा, उसमें मैं अपनी क्वालिफिकेशंस को मेंशन करूँगा। तो यहाँ पे इंसर्ट में जाऊँगा और यहाँ से टेबल और यहाँ से मैं 3 कॉलम और 3 रो वाली टेबल सेलेक्ट करूँगा। क्लिक किया तो यहाँ पे ये इंसर्ट हो चुकी है। यहाँ पे मैं टाइप कर लेता हूँ 10th पास, 10th कब क्लियर किया है वो हमें यहाँ पर मैंसन कर देना है। टैप प्रेस करेंगे, किस बोर्ड से किया है वो हम यहाँ पर मैंसन करेंगे। टैप प्रेस करेंगे, 12th किस ईयर में किया है, टैप प्रेस करेंगे, किस बोर्ड से किया है, आपने कोई ग्रेजुएशन किया तो वो आपको यहाँ पे टाइप कर देना है। यहाँ पे किस ईयर में आपने ग्रेजुएशन किया है वो आपको टाइप कर देना है और यूनिवर्सिटी नेम। अब मैं इनको कुछ ऐसे सेलेक्ट करूँगा पूरी टेबल को एंड यहाँ पर मैं इसका साइज़ कम करूँगा 12 एंड यहाँ पर ये जो कॉलम है इसकी विथ को मैं कम करूँगा कुछ इस तरह से, कुछ इस तरह से ये एडजस्ट हो जाएगा टेक्स्ट। अब हमें यहाँ पर देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है 10th यानी TH, इसको मैं कुछ इस तरह सेलेक्ट कर रहा हूँ एंड यहाँ पे मैं फॉर्मेट में जाऊँगा और यहाँ पे टेक्स्ट, उसके बाद नीचे आऊँगा यहाँ पे सुपर स्क्रिप्ट, क्लिक किया और इसको भी मैं इसी तरह से कर सकता हूँ या फिर हम कंट्रोल के साथ में डॉट बटन प्रेस करेंगे तो ये इस तरह से सुपर स्क्रिप्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, अब अगर आपके पास कोई और भी डिग्री है तो आपको करना क्या है, यहाँ पे कर्सर रखना है सबसे लास्ट वाली सेल में और टैप प्रेस कर देना है। टैप प्रेस करेंगे तो यहाँ पे एक और रॉ इंसर्ट हो जाएगी, इसमें आप अपनी कोई और भी डिग्री है तो उसको मेंशन कर सकते हैं। तो मैं कंट्रोल जेड कर रहा हूँ, अब मैं कर्सर को रख लेता हूँ नीचे यहाँ पे और यहाँ पे मैं टाइप करूँगा स्किल्स, इंटर प्रेस किया। अब इसका जो पैराग्राफ स्पेस है उसे मैं कम करूँगा तो यहाँ पे पैराग्राफ स्पेसिंग मांगूँगा और यहाँ से रिमूव स्पेस और यहाँ से साइज कम करूँगा और यहाँ से अनबोल्ड और यहाँ पे जो भी स्किल है वो हम यहाँ पे टाइप कर देंगे, इंटर करूँगा। इसके अलावा कोई और आपके पास स्किल है तो वो आपको टाइप कर देना है। ये मैंने टाइप किया, इसको थोड़ा सा नीचे करूँगा मैं स्क्रॉल डाउन एंड इंटर प्रेस करूँगा। इसके अलावा कोई और स्किल है तो आपको यहाँ पे टाइप कर देना है। अब यहाँ पे हम टाइप करेंगे वर्क एक्सपीरियंस, तो मैं स्पेस बढ़ा लेता हूँ, ऐड स्पेस और यहाँ पे वर्क एक्सपीरियंस, इसको सेलेक्ट करूँगा, बोल्ड करूँगा, साइज़ इंक्रीज करूँगा एंड कर्सर को यहाँ रखा और इंटर प्रेस करूँगा। फिर से इसका जो स्पेस है वो कम करूँगा, लाइन स्पेस, रिमूव स्पेस और यहाँ पर फॉन्ट साइज़ कम करूँगा एंड बोल्ड को हटा देता हूँ। अब यहाँ पे मैं टाइप कर देता हूँ जो भी वर्क एक्सपीरियंस है, यानी आपने कहाँ कहाँ पे काम किया है, कितने समय काम किया है, किस पोस्ट पे काम किया है, वो आपको यहाँ पे मेंशन कर देना है। अगर आपने कहीं पे काम नहीं किया है तो आपको यहाँ पे फ्रेशर टाइप कर देना है, जैसे कि मैं टाइप कर देता हूँ यहाँ पे ABC प्राइवेट लिमिटेड, ठीक है, ये कंपनी का नाम हो गया। उसके बाद आपने यहाँ पे कितने टाइम काम किया है तो मैं यहाँ पे टाइप कर देता हूँ April 2021 - May 2022 तक। किस पोस्ट पर काम किया है तो मैं यहाँ पे टाइप कर देता हूँ, ये मैंने मेंशन कर दी पोस्ट। इसके अलावा आपने किसी और कंपनी में काम किया है तो वो आपको यहाँ पे मेंशन कर देना है। इंटर प्रेस करूँगा मैं, स्पेस बढ़ा लेता हूँ, ऐड स्पेस और यहाँ पे मैं टाइप करूँगा पर्सनल डिटेल, पर्सनल डिटेल, इसको मैं सेलेक्ट करूँगा कुछ ऐसे, बोल्ड, साइज़ इंक्रीज करूँगा, कर्सर को यहाँ रखा, इंटर प्रेस करूँगा, स्पेसिंग कम करूँगा फिर से और यहाँ पर मैं साइज़ कम करूँगा, अनबोल्ड करूँगा और यहाँ पे टाइप कर देता हूँ अपनी पर्सनल डिटेल, जो भी आपकी पर्सनल डिटेल है जैसे फादर्स नेम, जेंडर, डेट ऑफ बर्थ, ये सारी चीज़ें हमें यहाँ पे मेंशन कर देनी है। इंटर, जेंडर, डेट ऑफ बर्थ, जो भी डेट ऑफ बर्थ है वो आपको टाइप कर देना है। इंटर प्रेस करूँगा मैं, उसके बाद यहाँ पे मैरिटल स्टेटस, इंटर, यहाँ पे टाइप करूँगा लैंग्वेज, आपको जो भी लैंग्वेज आती है वो आप यहाँ पे मेंशन कर दीजिए। ठीक है, यहाँ पे मैं टाइप कर देता हूँ हॉबीज़, आपकी क्या क्या हॉबीज़ हैं वो आपको टाइप कर देना है। इंटर, नेशनैलिटी, जिस कंट्री से आप बिलोंग करते हैं वो आपको टाइप कर देना है। इंटर करूँगा मैं और यहाँ पे स्पेसिंग बढ़ा लेता हूँ। इसके अलावा आपकी कोई और भी पर्सनल डिटेल है तो आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हो। तो यहाँ पे मैं इसका लाइन स्पेस बढ़ाऊँगा, ऐड स्पेस और इसको मैं थोड़ा नीचे कर लेता हूँ। अब यहाँ पर मैं टाइप कर देता हूँ डिक्लेरेशन, अब यहाँ पर टाइप करूँगा मैं डिक्लेरेशन, इसको सेलेक्ट करूँगा, बोल्ड करूँगा, यहाँ से साइज़ बढ़ा लेता हूँ, इंटर, इस लाइन स्पेसिंग कम करूँगा फिर से और यहाँ से फॉन्ट साइज़ कम,
अनबॉल्ड, और यहाँ पे मैं टाइप करूँगा आई एम हेयर बाई गिविन दैट द अबव इन्फॉर्मेशन इज ट्रू इन माई नॉलेज एंड बिलीफ। ठीक है, इंटर, एक बार और इंटर प्रेस करूँगा, यहाँ पे डेट, यहाँ पे पैलेस, इंटर प्रेस किया, टैब प्रेस करूँगा, यहाँ पे मैं नाम मेंशन करूँगा, ब्रैकेट क्लोज, और यहाँ पे हम सिग्नेचर कर सकते हैं। तो ये हमारा जो रिज्यूम है वो एकदम कंप्लीट बन चुका है। अगर आपकी ये सारी डिटेल्स एक पेज पे नहीं आ रही हैं तो आपको दूसरे पेज में ये टाइप कर लेना है, क्योंकि सीवी जो होता है वो दो पेज का भी होता है, तीन पेज का भी होता है, एक पेज का भी होता है। तो ये हमारा रिज्यूम है वो बन चुका है। अब इसको आपको एक बार फिर से चेक कर लेना है आपने कोई मिस्टेक तो नहीं की है, क्योंकि रिज्यूम में किसी भी तरह की कोई गलती नहीं होनी चाहिए। तो एक बार आपको इसको चेक कर लेना है। तो चलिए इसको हम कर लेते हैं अब डाउनलोड, क्योंकि इसे हम सेव नहीं कर सकते क्योंकि ऑटोमेटिक सेव हो जाता है गूगल ड्राइव में। तो हम इसको कर लेते हैं डाउनलोड। डाउनलोड करने के लिए हमको फाइल में जाना है और यहाँ पे डाउनलोड्स में जाएंगे और यहाँ से हम पीडीएफ डॉक्यूमेंट पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे थोड़ी देर में डाउनलोड हो जाएगा। देखिए सेव कर लेता हूँ मैं और ये डाउनलोड हो चुका है। तो मैं डेस्कटॉप पे जाऊंगा और ये हमारा पीडीएफ आ चुका है। तो कुछ इस तरह का ये हमारा रिज्यूम बन चुका है बहुत ही अच्छे तरीके से। तो चलिए इसको अब हम कर लेते हैं प्रिंट। तो प्रिंट करने के लिए दोस्तों हमें कंट्रोल पी प्रेस करना है या फिर हमको यहाँ पे क्लिक कर देना है। ठीक है, तो ये हमारा इंटरफेस कुछ इस तरह का यहाँ पे दिखाई देगा। अब हमको सिंपल यहाँ पे प्रिंट पे क्लिक कर देना है। तो ये हमारा जो रिज्यूम है वो एकदम प्रॉपर तरीके से प्रिंट होकर के आ चुका है, देख सकते हो पूरी तरीके से एक एक चीज़ जो भी हमने इसमें मेंशन की थी वो यहाँ पे कुछ इस तरह से दिखाई देंगी। ठीक है, अब इसको आप कहीं पर भी अप्लाई कर सकते हो किसी भी जॉब में। आई होप दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। चैनल पर पहली बार विजिट किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। हम मिलते हैं आपको किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।